हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप के ऊपर। गाइस, ये सेकंड वीडियो है स्कॉलरशिप की। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने बीए कोर्स का स्कॉलरशिप बताया है। अगर आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बी फार्मा कोर्स में स्टूडेंट्स को कितना स्कॉलरशिप मिलता है उनके ग्रेजुएशन के दौरान। तो गाइस, इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए। इस वीडियो में मैंने एसटी एससी ओबीसी तीनों कैटेगरीज का स्कॉलरशिप बताया है, तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो एक स्क्रीनशॉट, जिसमें आप देख पा रहे हो सबसे फर्स्ट में इंस्टीट्यूट डिटेल्स, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, सेंट्रल गवर्नमेंट एफिलेटेड टू यूजीसी। स्टेट लेवल स्कॉलरशिप है ये, बी फार्मेसी के लिए है। और स्कीम में आप लोग देख पा रहे हो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एसटी, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देख पा रहे हो ब्रांच बैचलर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट ईयर, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का स्कॉलरशिप है। तो चलिए गाइस, आप लोगों को मैं रिवील कर देता हूँ कि कितना स्कॉलरशिप मिलता है, कितना फी लगता है। ओके गाइस, ये रहा आप लोगों का स्कॉलरशिप। आप लोग देख पा रहे हो मेंटेनेंस अलाउंस जो है ना वो 4770 रुपीज दिया जाता है, जबकि टोटल फी जो आप लोग पे करते हो 25650 रुपीज है। और टोटल अमाउंट जो दिया जाता है आप लोगों को एसटी कैटेगरी वालों को वो है 30420 रुपीज, ठीक है, आप लोग देख लिए। आगे हम बात करते हैं सेकेंड ईयर में कितना दिया जाता है। ओके गाइस, तो यहाँ पास आप लोग देख सकते हो ब्रांच में बैचलर ऑफ फार्मेसी सेकेंड ईयर का है, एसटी कैटेगरी का, ठीक है। इसमें आपको टोटल जो अमाउंट मिलता है वो 31810 रुपीज मिलता है। इसमें मेंटेनेंस अलाउंस थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है आपको, आप फीस जो है ना इसमें थोड़ा सा कम पे करते हो, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एससी कैटेगरी वालों को कितना स्कॉलरशिप मिलता है फर्स्ट ईयर में। आप लोग देख पा रहे हो सारा डिटेल, ठीक है, अभी मैं आप लोगों को रिवील कर देता हूँ, ठीक है। ओके गाइस, अभी आप लोग देख पा रहे हो फर्स्ट ईयर में एससी कैटेगरी को कितना स्कॉलरशिप दिया जाता है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट आप लोग देख पा रहे हो 29890 रुपीज़ दिया जाता है, ठीक है। इसमें मेंटेनेंस अलाउंस जो होता है वो 4240 रुपीज़ होता है, जबकि जो टोटल फी है वो सेम है एज इट इज़। एसटी कैटेगरी को जितना पे करना पड़ता है सेम एससी कैटेगरी को भी फर्स्ट ईयर में पे करना होता है, तो फीस में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। लेकिन अभी आप लोग इसमें देख पा रहे होगे कि फर्स्ट ईयर में एसटी कैटेगरी के मुकाबले एससी कैटेगरी को थोड़ा सा कम स्कॉलरशिप दिया गया है, ठीक है। तो अभी आप लोग क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो। इसके अलावा गाइस, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आपको जो स्कॉलरशिप है इसी के अराउंड देखने को मिलता है, 30,000 to 35,000 के बीच में, ठीक है। नाउ बात करते हैं गाइस, ओबीसी कैटेगरी वालों को कितना स्कॉलरशिप दिया जाता है फर्स्ट ईयर में। तो गाइस, आप लोग यहाँ भी डिटेल देख सकते हो, ठीक है, स्कीम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी, ठीक है, ब्रांच में आप लोग देख सकते हो बैचलर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट ईयर। तो चलिए मैं रिवील कर देता हूँ आप लोगों का फर्स्ट ईयर का स्कॉलरशिप। सो ओबीसी फर्स्ट ईयर कैंडिडेट को टोटल अमाउंट दिया जाता है 34,200 रुपीज़। आप लोग देख सकते हो गाइस टोटल अमाउंट। मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाता है 8,500 रुपीज़, जबकि टोटल फी जो होता है वो 25,700 होता है। गाइस, आप लोग देख सकते हो ये फर्स्ट ईयर का स्कॉलरशिप है जो एससी एसटी कैंडिडेट्स के मुकाबले आप लोगों को ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा फी भी ज़्यादा पे करते हो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा स्कॉलरशिप दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग सेकेंड ईयर का स्कॉलरशिप भी देख सकते हो गाइस, जो टोटल अमाउंट दिया जाता है सेकेंड ईयर में 30,900 रुपीज़ होता है। मेंटेनेंस अलाउंस जिसमें आपको थोड़ा सा कम मिलता है 5,400 रुपीज़। टोटल फी जो होता है वो 25,500 रुपीज़, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को स्कॉलरशिप थोड़ा सा कम मिलता है और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में सेम स्कॉलरशिप आप लोगों को मिलता है। सो होप गाइस, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आप लोग अपना स्कॉलरशिप जान गए होंगे कि कितना स्कॉलरशिप आपको दिया जाता है, और आपको पता चल गया होगा कि जो हमारा कोर्स है वो ऑलमोस्ट फ्री रहने वाला है, मतलब जो भी हम लोग पे करेंगे वो स्कॉलरशिप के थ्रू हमें मिल जाएगा, ठीक है। और अगर गाइस आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फाइनेंशली इतना कैपेबल नहीं होते हैं कि वो बड़े कोर्स को कर पाएँ जिसमें ज़्यादा फीस लगती है उसको ऑप्ट कर पाएँ। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, उसके बाद भी फाइनेंशियल वीकनेस के कारण जो है ना वो अपना कोर्स जो है ना प्रेफर नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनके पास एक अवेयरनेस जाए, जो पे कर रहे हैं वो जो है ना उनको स्कॉलरशिप के थ्रू मिल जाएगा,
ठीक है, तो वो बिना पैसे खर्च किए बी फार्मा कंप्लीट कर सकते हैं फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। ओके, तो आप लोग स्प्रेड कीजिए इस वीडियो को और मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।